हाथ में गुब्बारे, ये गुड़िया कहीं मेले से होकर आई है क्या? अरे नहीं नहीं मिम साहब, आज ना गुड़िया का जन्मदिन है तो ये सब मैंने ही दिलवाया उसे। हाँ, 10 के गुब्बारे, 50 की गुड़िया और हो गया जन्मदिन। पता है आज मेरी बेटी काव्या का भी बर्थडे है, देखो मैं उसके लिए कितने सारे टॉयज लेकर आई। अरे वाह, ये तो कितने सारे हैं। अरे अरे इन्हें हाथ मत लगा, कहीं ये गंदे ना हो जाए। अरे बेटा चल। हाँ माँ आई। और आप लोग, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलना। कायू बेटा ये देखो आपके बर्थडे का केक कैसा है। वाह मामा, यम्मी यम्मी केक। अच्छा ठीक है, अब जाओ और अपने टॉयज के साथ खेलो। ओके मामा। अरे मीम साहब। हाँ लीजिए। क्या है ये? वो मैं गुड़िया के हर जन्मदिन पर खीर बनाती हूँ, तो आज आपके लिए भी लाई। पता नहीं ये कैसे बनाया होगा। सुमित्रा मैं ये सब नहीं खाती, तो रहने ही दो। अच्छा तो काव्या खा लेगी, मैं अभी उसे देकर आती हूँ। अरे रुक, उसे ये मत खिला, कहीं ये खा के वो बीमार हो गई तो। इसलिए अपने पास ही रहने दे ये। माँ मैं ये खीर खा लूंगी, मुझे तो ये बहुत पसंद है। हाँ बेटा। अरे आंटी आप इन थैलियों में क्या लाए? काव्या के लिए कपड़े। क्या इतने सारे कपड़े और सिर्फ काव्या के लिए? हाँ ये देख, और ये वाली तो सबसे सुंदर है ना? बहुत अच्छे हैं। वैसे तुमने आज नए कपड़े नहीं पहने, आज तुम्हारा भी तो बर्थडे है ना? वो माँ ने मुझे पिछले साल ही नए कपड़े दिलवाए, इसलिए इस साल नहीं खरीदे। क्या पिछले साल नए कपड़े लिए तुमने? हाँ। पता है हम तो हर त्योहार पर, हर बर्थडे पर नए कपड़े खरीदते ही है। चलो भाई अब तो बहुत सारी तैयारियां करनी है। पता है मेरी बेटी काव्या को बलून बहुत पसंद है, इतने सारे बलून देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। बलून तो मुझे भी बहुत पसंद है। अरे तुझे किसने कहा है ऊपर बैठने के लिए? तेरे कपड़े गंदे, इससे ये बेड भी गंदा हो जाएगा। अब यहाँ मेरा मुंह क्या देख रही है, चल जाए यहाँ से। चलो। पर बेटा तू तो काव्या के जन्मदिन का केक खाना चाहती थी ना? नहीं माँ, मुझे कोई केक नहीं खाना, आप बस यहाँ से चलो। अच्छा ठीक है बेटा चल। अरे मेहमान आते ही होंगे। मेम साहब आप चिंता मत करो, हम हैं आपके साथ यहाँ। हाँ लगता है मेरे पैर में मोच आ गई है, बहुत दर्द हो रहा है। मेम साहब आप रुको, मैं अभी आई। आंटी ये लो, इससे आपका पैर का दर्द कम हो जाएगा।
के गुब्बारे, 50 की गुड़िया और हो गया जन्मदिन। अरे अरे इन्हें हाथ मत लगा, कहीं ये गंदे ना हो जाए। उसे ये मत खिला, कहीं ये खा के वो बीमार हो गई तो, इसलिए अपने पास ही रहने दे ये। वैसे तुमने आज नए कपड़े नहीं पहने, आज तुम्हारा भी तो बर्थडे है ना। अरे तुझे किसने कहा यहाँ ऊपर बैठने के लिए? तेरे कपड़े गंदे, इससे ये बेड भी गंदा हो जाएगा। अब यहाँ मेरा मुंह क्या देख रही है, चल जाए यहाँ से। अरे ये मैंने क्या किया, जिन लोगों को मैंने हर वक्त नीचा दिखाया, जिनका मैंने मजाक उड़ाया, आज वही मेरी सेवा कर रहे हैं। मुन्नी। हाँ? अरे बेटा वहाँ नीचे क्यों बैठी है, यहाँ ऊपर बैठ जा। नहीं आंटी, मेरे ये कपड़े गंदे हैं ना, इसलिए ये बेड गंदा हो जाएगा। अरे पगली, तेरे बैठने से थोड़ी ये बेड गंदा होगा, चला इधर बैठ। मेम साहब, अब आपके पैरों का दर्द कैसा है? अब मेरे पैरों में काफी आराम लग रहा है। अच्छा तो मेम साहब अब हम चलते हैं। अरे पर केक खा कर जाते। नहीं मेम साहब, बहुत देर हो गई है। अच्छा ठीक है। बेटा चल। हाँ माँ आई। चल बेटा। अच्छा वो मेरे लिए जो खीर लाए थे वो तो मुझे देकर जाओ। जा बेटा दिया। हैप्पी बर्थडे मुन्नी।